हेलो गाइस, आप सभी को विद्या भंडार माँ चैनल में स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से जो है वर्मा क्लास का जो है एनसीईआरटी बुक का 7.2 का समाकलन पर चर्चा करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 8 का है। 20 से लेकर 25 तक हल करने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 20। अतः 20 नंबर आता है ई पर पावर 2x, ई पर पावर 2x माइनस ई पर पावर माइनस 2x बटे ई पर पावर 2x प्लस ई पर पावर माइनस 2x क्वेश्चन 20 नंबर। तो इसको सबसे पहले हमको ये जो करना प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना। तो इसमें जो है क्या करना है, पहले सबसे पहले तो हमको करना है कि इसको मानना है। जैसे कि देखिए माना कि t बराबर, यानी यह जो है उसको हम t मान लेते हैं। जैसे कि देखिए e पर पावर 2x प्लस e पर पावर 2 माइनस 2x, इसलिए e पर पावर 2x, e पर पावर 2x प्लस e पर पावर माइनस 2x को अब कलाज कर देंगे बराबर dt। यानी इसको अब कलाज करने पर जैसे कि देखिए आप इसको अब करते हैं, कोई भी डी बटे डी एक्स पर पावर ई एक्स रहता है तो इसका जो आधा कलाज आ जाता है ई पर पावर डी एक्स ई आ जाता है। उसी तरह इसमें आता है, यानी हो जाएगा 2 ई पर पावर 2x माइनस 2 e पर पावर माइनस 2x यानी dx बराबर dt। अब इसमें 2 जो कॉमन ले लेता हूं, अब देखिए e पर पावर 2x माइनस e पर पावर माइनस 2x dx बराबर dt हो गया, dx बराबर dt हो गया। अब चलना तो e पर पावर 2x माइनस e पर पावर 2x समाकलन e पर पावर 2x प्लस e पर पावर माइनस 2x यानी dx। अब देखिए इसको तो हम माने थे, इसको मान लिया हूं, इसको मान लिया हूं dt, इसको मान लिया t और ऊपर वाला मान लिया dt, तो ऊपर वाला आ जाएगा 1 बटे t हो जाएगा। और गुना इसको जो माने थे हम dt और बटे 2 हो जाएगा। अब 1/2 को हम बाहर ले लेता हूं, 1/2 बचा समाकलन 1/10 dt। तो अब 1/t का मान होता है समाकलन करने पर लोग x आता है, तो 1/2 यहां t है तो t मानूंगा, यानी लोग t मोड t प्लस c। अब देखिए 1/2 लोग मोटी का मान जो हम माने थे वही हमको यहां बैठाना, तो e पर पावर 2x प्लस e पर पावर माइनस 2x इनटू c। मेरा जो आंसर है ये 21 नंबर। अब देखिए 21 नंबर में क्या बोलता है, tan स्क्वायर 2x माइनस 3
तो इसको हमको समाकलन करना है, तो देखिए तो एक सूत्र होता है टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। तो यही सूत्र के अनुसार से हम जो है समाकलन करेंगे। अब देखिए तो टेन स्क्वायर एक्स के मान के हम क्या है टू एक्स माइनस थ्री बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के जगह रख देंगे टू एक्स माइनस थ्री और माइनस वन रख देंगे। अब क्या करना है देखो, तो माना कि टी बराबर मान लेते हैं टू एक्स माइनस थ्री, इसलिए टू डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे टू। अब इसको समाकलन करने पर यानी सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री और माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है तो सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री के मानते हैं टी, तो टी हो जाएगा टी माइनस वन तो डी टी बटे टू, यानी डी जो है वन बटे टू को हम कॉमन ले लेता हूँ, वन बटे टू को कॉमन ले लेता हूँ, बचता है सेक स्क्वायर टी माइनस डी टी माइनस वन डी टी। अब क्या करना है वन बटे टू कॉमन लिया, सेक का होता है जब समाकलन करेंगे तो होता है टेन, तो टेन हो गया टी और माइनस वन का होता है एक्स यानी टी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा वन बटे टू टेन टी के मान यहां हुआ हम माने थे टू एक्स माइनस थ्री यानी हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री माइनस टी के मान भी वही रख देंगे टू एक्स माइनस थ्री प्लस टी। चलिए मेरा क्वेश्चन बन गया, आ गया है आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है 21 नंबर। अब देखिए 21 नंबर में क्या बोलता है, टेन स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री, तो इसको हमको समाकलन करना है। तो देखिए तो एक सूत्र होता है टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन होता है। तो यही सूत्र के अनुसार से हम जो है समाकलन करेंगे। अब देखिए तो टेन स्क्वायर एक्स के मान के हम क्या है टू एक्स माइनस थ्री बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के जगह रख देंगे टू एक्स माइनस थ्री और माइनस वन रख देंगे। अब क्या करना है देखो, तो माना कि टी बराबर मान लेते हैं टू एक्स माइनस थ्री, इसलिए टू डी एक्स बराबर डी टी, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी बटे टू। अब इसको समाकलन करने पर यानी सेक स्क्वायर टू एक्स माइनस थ्री और माइनस वन डी एक्स, ठीक है। अब क्या करना है तो सेक
स्क्वायर 2x माइनस 3 के मान दे टी, तो टी हो जाएगा टी माइनस 1, तो डी टी, डी टी बटे 2, यानी डी जो है 1 बटे 2 को हम कॉमन ले लेता हूँ, 1 बटे 2 को कॉमन ले लेता हूँ, बचता है सिर्फ स्क्वायर टी माइनस डी टी माइनस 1 डी टी डी। अब क्या करना है, 1 बटे 2 कॉमन लिया, सेक का होता है जब समाकलन करेंगे तो होता है 10, तो 10 हो गया टी और माइनस, अब 1 का होता है x यानी टी हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा, 1 बटे 2 10 टी के मान यहां हुआ हम माने थे 2x माइनस 3 यानी हो जाएगा 2x माइनस 3 माइनस टी के मान भी वही रख देंगे 2x माइनस 3 प्लस टी। चलिए मेरा क्वेश्चन बन गया, आ गया है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 22 नंबर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 22 नंबर आता है। जैसे कि देखिए sec स्क्वायर 7 माइनस 4x, sec स्क्वायर 7 माइनस 4x जो है ना, इसको हम समाकलन करते हैं। जैसे कि देखिए 2x 7 माइनस 4x को हम t मान लेते हैं। जैसे कि देखिए माना कि t बराबर 7 माइनस 4x, 7 माइनस 4x, इसलिए 7 माइनस 4x को अवकलन करने तो हो जाएगा माइनस 4dx बराबर dt, यानी dx बराबर dt बटे माइनस 4 हो गया। अब चलो तो से समाकलन से इस बार 7 माइनस 4x dx, अब देखिए क्या करना है, sec स्क्वायर x हुआ 7 माइनस 4x को हम t मान लेते हैं और dx बराबर मानते dt बटे माइनस 4, अब 1 बटे माइनस 4 को कॉमन ले लेता हूँ, बचता है से स्क्वायर टी डी टी। अब क्या करना है कि देखो अब इसको समाकलन कर देते हैं, से स्क्वायर एक्स का होता है 10, तो 10 स्क्वायर से 10 टी 1 बटे माइनस 4 10 टी प्लस सी हो जाएगा, यानी 1 बटे माइनस 4 10 टी का मान जो माने थे वही हम बैठाना है, तो 7 माइनस 4x प्लस सी, अरे मेरा आंसर यही है। आगे आ मेरा आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 23 पर बात करता हूँ, आता है साइन पर पावर माइनस 1 एक्स बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए क्या है, तो इसलिए अब मानना है, सबसे पहले हमको मान नहीं मान लेना है, माना कि 10 बराबर मान लेता है साइन पर पावर माइनस 1, तो हम तो
साइन पर पावर माइनस वन को हम टी मान लिया, इसलिए बच गया वन बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटो डी एक्स बराबर डी टी, डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा डी एक्स बराबर डी टी बटे माइनस टू हो जाएगा। अब क्या करना हमको, बैठाना है समाकलन साइन पर पावर माइनस वन एक्स बटे वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब साइन पर पावर माइनस एक्स को माने थे हम टी माने थे, तो यहाँ लग देंगे टी और वन बटे वन वन बटे रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर को हम माने थे डी टी, हो जाएगा डी टी बटे माइनस फोर। अब इसको जो है हम समाकलन कर देते हैं, तो अब उससे पहले मैं एक बटे माइनस टू को कॉमन ले लेता हूँ, बच गया टी डी टी, तो वन बटे माइनस टू टी का जो होता है इसको समाकलन कर देते हैं, तो नहीं है पावर वन और नहीं है पावर टू वन और प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस वन बटे टू टी पर पावर टू और टू प्लस सी हो जाएगा, तो माइनस वन बाय फोर और टी का मान यहाँ है साइन पर पावर माइनस वन स्क्वायर प्लस। चलिए मेरा आंसर आ गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात। तो 24 नंबर क्वेश्चन है टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स। तो इसको सबसे पहले आपको मानना है, तो जैसे कि मानते हैं माना कि बटे सिक्स कॉस एक्स प्लस फोर साइन एक्स, इसमें जो हमको मानना है क्या मानना है ये देखिए, तो मानना है थ्री को इधर बना लेता हूं, तो इसमें एक कॉमन ले लेता हूं टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स बटे, इसमें टू कॉमन ले लेता हूं तो बचता है थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स। अब करना है माना कि टी बराबर, यानी माना कि टी बराबर हम मान लेता हूं इसको माने थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, इसलिए माइनस थ्री साइन माइनस थ्री साइन एक्स और प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी मान लिया, डी टी मान लिया। अब करना क्या, ये अब बैठाना है हमको, तो देखिए बैठाना, तो टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स बटे टू थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स यानी डी एक्स। अब क्या करना है टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स बराबर हम जो मान लिए थे डी टी, ये हो जाएगा डी टी बटे बच गया वन बटे थ्री कॉस एक्स और टू साइन एक्स, तो हो जाएगा इसके इसका जो मान माने थे या टी माने थे टी, और इसके साथ जो
टू है गुना कर दिया डी टी बटे टू टी। अब क्या करना है समाकलन, एक बटे टू को कॉमन ले लेता हूँ और वन वन बटे टी यानी डी टी। अब क्या है वन बटे टू है और इसमें जो है वन बटे टी का मान होता है लोग टी होगा, तो लोग टी प्लस क्यू हो जाएगा, तो वन बटे टू लोग टी का मान होता है जो माने थे वही बैठा देना यानी थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो मेरा आंसर वन बटे टू लॉग थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स प्लस सी। चलिए मेरा आंसर जो आ गया 24 नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करता हूँ। इस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।